विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। जय 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 बोलिए। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज जी की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मित शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए इन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो कि शंका की नदी में बह रहे हैं समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए, मुनि संघ के चरणों में वंदन करने के लिए, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि यहाँ पर गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। जहाँ एक और पंचायतन शैली का यह जिनालय लगभग बनकर के तैयार है, वहीं जहाँ 14 गुण स्थानों को हम साक्षात देखेंगे, वह गुणायतन वहाँ पर बनकर के लगभग तैयार है। आने वाले बहुत थोड़े से ही समय में जिसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होनी है, जो कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। बंधुओं, आज पुनः जिन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्री श्रीमन जैन, श्रीमती शबाना जैन चेन्नई तमिलनाडु से, वहीं श्रीमती शकुंतला देवी जैन नलवाड़ी आसाम से, और श्री रमेश कुमार जी जैन, श्रीमती पुष्पा जी जैन फरीदाबाद से जोरदार कल्तर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें, हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने प्रामाणिक समूह के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। यूएसए से हमारे बीच में श्री विनम्र जी जैन, मोनिका जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर बुलाता हूँ, जो कि प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ, निवेदन करता हूँ मंच के निकट आएं और पूज गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीष पाएंगे, और हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका अभिनंदन करके बड़ा हर्षित हो रहा है। निवेदन कर रहा हूँ मैं, कृपया आइएगा विनम्र जी, मोनिका जी ऐसे से मंच के पूरे परिवार के साथ मंच के ऊपर आ जाएं एक बार, और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, साथ ही गुणायतन ट्रस्टी हमारी कीर्ति जी दिल्ली से हैं। मैं निवेदन करता हूं आए और इस परिवार का अभिनंदन करेंगे, जोरदार जोरदार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन, और इन परिवार का अभिनंदन कर रहा है गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। बंधुओं, जब प्रामाणिक समूह की बात चलती है, चाहे वह पाठशाला के रूप में हो या अन्य कोई गतिविधियां हों जिसमें इनका बहुमूल्य योगदान हुआ करता है, ऐसे परिवार के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, अब हम आपको सीधे जोड़ते हैं प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला से, जहां शंका तो हमारी होगी और समाधान होगा पूज्य गुरुदेव का। तो मैं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, जिन्होंने अपने स्वस्वरूप को जाना है, निवेदन करूंगा प्रश्नों के माध्यम से हम सबको पूज्य गुरुदेव से जोड़ने का उपक्रम करें। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरण। नमोस्तु महाराज श्री। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में इंजीनियर सी के जैन इंदौर से नमोस्तु करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जिंदगी के अंतिम क्षण में समाधि मरण कर लेना ही अच्छी गति प्राप्त करने का स्वरूप है, या फिर किसी भी उम्र में प्रभु की तपस्या में लीन होकर आत्मा में विलीन होने पर आत्मनिर्माण का कोई रास्ता है? कृपया समाधान कर। फिर से पूछेगा एक बार। अंतिम क्षण में समाधि कर लेना ही अच्छी गति प्राप्त करने का स्वरूप है, या किसी भी उम्र में प्रभु की तपस्या में लीन होकर आत्मा में विलीन होने पर आत्मनिर्माण का कोई रास्ता है? देखिए, हम तो आत्मा में जब लीन होंगे तभी हमारा निर्वाण होगा। मुक्ति की प्राप्ति आत्मलीनता से होती है। जो ध्यान में लीन होते हैं वही मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ध्यान लीनता तो बहुत दुर्लभता से प्रगाढ़ ध्यान लीनता होती है, जो कैवल्य को प्रदान कराती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जो प्रारंभिक साधना है, उसमें संलेखना समाधि का महत्वपूर्ण स्थान। इसलिए प्रत्येक साधक को ये कहा गया है कि संलेखना को अपने तप का फल मानते हुए जब तक तुम्हारे पास सत्व है, शक्ति है, तब तक उसके लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए।
अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकल दर्शनस्तुवते तस्मात् यावद् विभवं समाधिमग्ने प्रयतितव्यम्। जब तक तुम्हारे पास सत्व है तुम समाधि मरण के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना, ऐसा आगम का विधान है। एक बार निर्दोष रीति से समाधि संपन्न कर लेने वाले साधक को 3 भाव से 8 भाव में मुक्ति पक्की होती है। माने जो समाधि करता है वही ध्यान में लीन होने की योग्यता प्रकट कर सकता है। मुक्ति बेशक ध्यान लीनता से होती है, पर वह परम ध्यान, वह शुक्ल ध्यान, वह परम शुद्धोपयोग तभी होगा जब हमारी आत्मा की योग्यता विकसित होगी, और हमारी आत्मा की योग्यता को निखारने में समाधि संलेखना की महती भूमिका है। संगीता जी गवाणे अकोला से नमोस्तु करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि हंसता हुआ चेहरा मनुष्य की शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य हमारी पहचान बढ़ाता है। तो गुरुदेव, हर काम कैसा भी हो उसे हंसकर करने की आदत कैसे डालें ताकि हमारी भी पहचान बन सके? हंसता हुआ चेहरा हमारा शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ हमारी पहचान बढ़ाता। क्या पूछा है? हर काम को हंस के कैसे करने की आदत डालें। बहुत अच्छी बात। हंसता हुआ चेहरा हमारी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम हमारी पहचान बढ़ाता है, बहुत अच्छा वाक्य है। आपने पूछा है हर काम हंसकर कैसे करें। बड़ा सरल सा तरीका है। आप हंसते कब हो? हंसते कब हो? अभी तो हंस रहे हो आप लोग, कब हंसते हो ये तो बताओ। जब चीजें अच्छी लगती है तब हम हंसते हैं, हमारे पसंद का काम होता है तब हंसते हैं। तो बस हर काम को हंसते हुए करने का बड़ा सरल सा सूत्र है, जो भी काम करो उसे अच्छे से पसंद करो, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। जो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति रुचिवंत रहते हैं वो सब काम को हंसते हुए करने में समर्थ होते हैं। आयुषी जी जैन गुड़गांव से नमोस्तु करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि जैन धर्म के हिसाब से हम बच्चे का पहला जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? जैन धर्म के अनुसार हम बच्चे का पहला जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? देखिए, जन्मदिन तो जन्मदिन है, लौकिक दृष्टि से मनाते हैं। अगर आप बच्चे की पहली वर्षगांठ मनाना भी चाहते हैं, सबसे पहले सुबह से उसे जिन मंदिर ले जाएं, भगवान का अभिषेक दिखाएं और उसके माथे पर तिलक लगाएं, घर पर आकर उसके शीश पर से साक्षर डालें जो मंदिर की पूजा अर्चा के बाद बचा हुआ द्रव है, और उसे मंगलवर्धक वाक्यों से आशीर्वाद दें। चिरंजीव भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, इस प्रकार से आशीर्वाद दें। और उस व्यक्ति के, उस बच्चे के नाम से जीव दया के लिए कोई कार्य कराएं और दीप जलाएं, न कि कैंडल बुझाएं, और केक न काटें, लड्डू बांटें। ये हमारी संस्कृति है, इसके अनुरूप जन्मदिन मना सकते हैं। ओम, आधा अक्षर में नहीं समझ पा रहा था, आप लोग सुन रहे थे, आप समझ में आ रहे? अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि हमें धर्म और धार्मिक क्रियाएं पुण्य के संचय के लिए या कर्म की निर्जरा के लिए करना चाहिए, दोनों में से कौन सा हमारे लिए हितकारी है, कृपया समाधान करें। धर्म और धार्मिक क्रियाएं पुण्य के संचय के लिए या कर्म की निर्जरा के लिए करना चाहिए? मैं कहता हूँ धर्म और धार्मिक क्रियाएँ न पुण्य के संचय के लिए न कर्म की निर्जरा के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, धर्म और धार्मिक क्रियाएं न पुण्य संचय के लिए करो न कर्म निर्जरा के लिए करो, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए करो, पवित्र बनाने के लिए करो। और जब जीवन को पवित्र बनाने के भाव से धर्म की क्रिया करोगे
तो पुण्य का संचय भी होगा, पाप का क्षय भी होगा, और पवित्रता को अभिव्यक्त किए बिना कोई भी धार्मिक क्रिया करेंगे तो उसका वो लाभ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी उद्देश्य क्यों न रखें। तो वास्तव में धर्म का स्वरूप क्रिया नहीं, अंदर की पवित्रता है, जिसे हमें बनाकर चलना चाहिए। राजेश जी जैन आर आई गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि यह बात सर्वमान्य है कि हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाते, फिर यह भी सत्य है कि यदि हम अपनी कीमत जानते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको स्वीकारता है या नहीं, तो गुरुवर अपना मूल्यांकन कैसे करें? देखिए बहुत अच्छी बात है, हम स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें, मुझे तो उल्टा दिखता है, लोग अपना कुछ ज़्यादा मूल्यांकन कर लेते हैं, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, उससे कहीं बढ़कर लोग अपने आप को आंकने लगते हैं, तभी तो हर व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है। तो अगर मुझसे पूछो तो अपना सही मूल्यांकन करना है तो दो दृष्टियाँ दे रहा हूँ, एक आध्यात्मिक और दूसरी व्यवहारिक। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पहले अपने आप को जानो, पहचानो और ये देखो कि मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत क्षमताएँ, ये अंदर में जगना चाहिए, समझ गए? और ये जाग गया तो जीवन आगे बढ़ जाता है। अध्यात्म में जब वो देखे तो जो मेरे अंदर सब क्षमता है मुझे उसे उद्घाटित करना, मैं केवल ज्ञान का अधिकारी हूँ, मैं सहज आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ, वो अपनी पहचान ही अपना सही मूल्यांकन है। और व्यवहारिक दृष्टि से अपने आप को आंकना हो तो अपनी खूबियों को कम करके अपनी खामियों को पहचानो, ताकि उन्हें दूर करके खुद को निखारा जा सके। अगर हमने अपने आप को ज़्यादा आंक लिया या अपनी अच्छाइयों पर ही ध्यान दिया, खामियों को नज़रअंदाज किया, तो जीवन को हम अच्छा नहीं बना सकते। तो खुद की खूबियों को नज़रअंदाज कर खामियों को खोजो और उसका शोधन करो, तो ये सही मूल्यांकन है, अर्थात अपने गुण और दोषों का विचार ही जीवन का यथार्थ मूल्यांकन है। उसमें गुणों का उभार करने का प्रयत्न हो और दोषों का सुधार करने की कोशिश हो तो हमारा उद्धार पक्का है। अब शंकाओं के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है छुल्लक श्री 105 समादर सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरे सुबह जब पाठ करते हैं तो उसमें दो लाइन रहती है, उत्तमा स्वार्थ चिंता च्यात, देह चिंता से मध्यमा, अधमा काम चिंता च्यात, पर चिंता धमा धमा। अब देह चिंता और स्वयं की चिंता, ये दोनों तो मानी जाएगी अलग अलग है, लेकिन काम चिंता और पर चिंता इन दोनों में समानता है, तो इन दोनों को समझाएं। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा श्लोक है, परमानंद स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता च्यात, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च्यात, पर चिंतास्तु धमा धमा। आपके पूछने का आशय ये है कि पर चिंता को काम चिंता से भी ज़्यादा निकृष्ट क्यों कहा गया, शायद यही पूछने जा रहे हैं ना, सुसु लगे समानता नहीं, अधम से अधमाधम है, पाम काम चिंता को अधम कहा और पर चिंता को अधम से भी अधम। सवाल ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि काम की चिंता में कुछ पल का सुख भी मिल जाता है, भले वह सुखाभास हो, लेकिन पर की चिंता में तो कुछ भी नहीं मिलता, खोता ही है, समझ गए? तो पर की चिंता क्यों करो?
पर हित की चिंता करना बुरा नहीं है, लेकिन पर की चिंता उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके बारे में अपना दिमाग लगाना, खुद को अशांत बनाना। इसलिए पर चिंता से बचोगे तो कई पापों से बच जाओगे, पर निंदा भी तभी छूटेगा। इसलिए पर की चिंता से बचना चाहिए। निवेदन है पूज्य इलक श्री 105 निदानंद सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्षेत्रानुगम में जीवों का निवास स्थान और बिहार का संबंधी परिमाण बतलाया गया है। सबसे पहले लोक का प्रमाण 343 घन राजु सिद्ध किया गया है। शंकाकार ने शंका की 343 घन राजु असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव अनंत पुद्गल कैसे समा सकते हैं, तो समाधान दिया गया। उस समय भी शंका समाधान होता था, तो समाधान दिया गया कि जीव पुद्गलों में परस्पर अन्योन अवगाहन शक्ति विद्वान है, उदाहरण देकर इसको समझाया गया। और क्षेत्र अवगाहन की दृष्टि से भी जीवों की तीन अवस्थाएं बतलाई गई हैं, समुद्घात, स्वस्थान और उपाद, और पांच प्रकार का संसार और जीवों की अवगाहना, दो इंद्री की संख्या की अवगाहना, 12 योजन, 3 इंद्री, चीटी आदि की अवगाहना। सवाल सीधे सीधे कर लो और जल्दी से। हाँ, और तो इस सब जानने का प्रयोजन क्या है? हाँ, इससे आत्मा की कल्याण, आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि क्या है, सबका सारांश क्या है? कुछ दिन पहले एक सवाल आया था कि लोक आदि के विषय में जानने का क्या मतलब। तो भैया, हम संसार में भटक रहे हैं और कहाँ कहाँ भटके हैं इसका तो पता रहना चाहिए। तो हम इस संसार में कहाँ कहाँ भटके हैं उसका ज्ञान करने के लिए ये सब सब चीज़ें पढ़ा जाता है, ताकि हम दोबारा वहाँ ना जाएं और अपने आवागमन के चक्र से मुक्त हों। आगे नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित करें ताकि हमें भी शीतल समाधान की प्राप्ति हो सके। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। ऐसा देखा जाता है कि कई श्रावक 12 बज गया सायंकाल, मतलब संधि का टाइम है, तो उस समय भोजन आदि ना करके सामायिक में बैठ जाते हैं। तो ये संधि काल का महत्व सिर्फ दोपहर में ही होता है या सुबह शाम भी होता है? क्योंकि सुबह उस संधि काल में लोग अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं, ऐसे ही शाम को समय दूसरे कार्यों में लग जाते हैं, तो अकेले दोपहर की संधि काल का महत्व तो अधिक है या सभी का बराबर है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। संधि काल तो तीनों संध्याओं में होना चाहिए, प्रातः, मध्यान्ह और सायंकाल। तीनों संध्याओं में संधि काल का ध्यान रखना चाहिए। और 12 बजे के पहले संधि काल है, 12 बजे नहीं, समझ गए? अभी इन दिनों मान लीजिए आप 12:15 से 12:30 सुबह के समय में इधर चूँकि जल्दी प्रकाश हो जाता है, तो 5 बजे के करीब सूर्योदय का समय है, उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। सूर्यास्त का समय अभी यहाँ का लगभग 6:25 के आसपास का है, तो 6:20 है, तो आप 6 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को संधि काल मान करके चले। और उस संधि काल के समय में भोजन इसलिए नहीं करते कि वो व्रती श्रावक के लिए सामायिक का समय है, तो आप सामायिक कीजिए, तो उस कार्य में वैसा कीजिए। तो आप कहोगे महाराज जी, यही काम तो यही समय तो शंका समाधान का, अब हम क्या करें, ये टाइम है ना, अभी संधि काल है, अब हम क्या करें? तो अब लोग थोड़ी बहुत अपनी सुविधाओं के अनुसार समय को सेट करते हैं। कोशिश कीजिए एकदम सही समय पर करने की, लेकिन यदि कदाचित नहीं हो सकता तो हम कम से कम अपना एक समय सुनिश्चित कर ले और उस समय में हम अपने आवश्यक जरूर करें। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक में वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, सुना है और पढ़ने में आता है, जब महात्मा गांधी बाल अवस्था में थे या युवा अवस्था में थे
और विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उनको भेजने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पता नहीं बेटा वहाँ जाकर के एक व्यसन और बुराइयों में ना लग जाए। तब सुनते वहाँ पर एक कोई जैन साधु के पास वो माँ अपने बच्चे को ले गई और उन्होंने उन मुनि से तीन नियम दिलवाए थे कि मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना और परिस्त्री सेवन नहीं करना, और उन्होंने सहज उस नियम को स्वीकार किया और विदेशों में पढ़ाई करते हुए भी बुराइयों से बचे रहे। आज बहुत से बच्चे जब हम ऐसा कहते हैं कि नियम आप धारण कर लो, तो बच्चे कहते हैं हम तो कभी मांसाहार करते नहीं, हम तो कभी शराब पीते नहीं, जिस चीज़ का हमने कभी सेवन ही नहीं किया तो उस चीज़ का त्याग करने का क्या महत्व है? क्या वास्तव में जिसका हमने त्याग कभी किया या सेवन ही नहीं किया उनका हमें त्याग करने से कुछ फल मिलता है और ऐसा करना उचित है क्या? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया। ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी की माँ ने बेचर दास जी दोषी जो एक जैन साधक थे उनके समक्ष गांधी जी को प्रतिज्ञा दिलाई थी, और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि मेरी माँ ने मुझे प्रतिज्ञाबद्ध नहीं कराया होता, तीन नियम दिए थे, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परिस्त्री सेवन नहीं करना, यदि मेरी माँ ने मुझे ये नियम नहीं दिलाए, मुझे प्रतिज्ञाबद्ध नहीं किया होता, तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। ये बात उन्होंने कही। तो गांधी जी के जीवन को सुरक्षित रखने में उनके संकल्पों की बड़ी भूमिका रही है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बाहर जाने से पूर्व संकल्पों के बंधन में बंधना चाहिए, संकल्प के डोर से बंध कर चलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने उन बच्चों की तरफ से जो सवाल उठाया है कि हमने आज तक जो कुछ किया नहीं उसका त्याग क्या करें, हम आपसे त्याग नहीं करा रहे, हम आपसे प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि अभी तक कभी किया नहीं, भविष्य में भी नहीं करेंगे। भले आज तक आपने सेवन नहीं किया, अगर आपकी प्रतिज्ञा होगी तो भविष्य में किसी का कितना भी दबाव प्रभाव हो आप बचे रहोगे, और प्रतिज्ञा टूट जाएगी, प्रतिज्ञा नहीं होगी तो हो सकता आप किसी के दबाव में प्रभाव में आ जाओ और वो आपका स्खलन हो जाए। इसलिए प्रतिज्ञा के प्रति व्यक्ति को सदैव रुचिवंत रहना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बड़ी प्रसन्नता है, लोग अपने समाधान को पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। आज हमारे बीच में जिन्होंने निर्माण मित्र से निर्माण सारथी की ओर गमन किया है और हमारे गुणायतन से एक कदम और आगे बढ़ाया है, ऐसे श्रीमती अरुणा जी छावड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार जी छावड़ा, रितेश जी, हीना जी, शिल्पा जी, अनुषा अरहम छावड़ा परिवार जयपुर से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ वो मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हमारे गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेमचंद जी उपकार परिवार, मैं निवेदन करता हूँ आइएगा और इनका जोरदार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। मैं छावड़ा परिवार से निवेदन करूंगा पूरे परिवार के साथ एक बार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए प्रेमचंद जी, संध्या जी उपकार परिवार अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। और प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मैं निवेदन करता हूँ निकट यहाँ पर आ जाएं, श्रीमती गुलाब देवी जी का पूरा परिवार नाभा सिटी से यहाँ पर उपस्थित है, अनिल जी, सीमा जी, पूरा परिवार, मैं निवेदन करता हूँ मंच के निकट आए, प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर अपना प्रश्न रखेंगे और उसी के बाद तैयार रहेंगे आयुष जैन दिल्ली से, जोरदार जोरदार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। पूरा परिवार एक बार यहाँ पर आ जाए, प्रश्न भले ही एक करें, पूरे परिवार के साथ अति शीघ्र यहाँ पर पहुंचे गुलाब देवी जी, अनिल जी, सीमा जी, पाटोदी परिवार नावा सिटी से, अज्जू जी का परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए।
अनिल जी सीमा जी नाभा सिटी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम बच्चों को बढ़ते से ही आलू प्याज लहसुन का त्याग व रात्रि भोजन अन्न का त्याग ऐसे संस्कार मिले हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हमारी जनरेशन या लाइक प्रेजेंट पेरेंट्स जैसी जनरेशन के साथ भी होता है कि उन लोगों को हमारे संस्कार अप्रासंगिक क्यों नजर आते हैं? क्या लगता है? अप्रासंगिक नजर अप्रासंगिक क्यों नजर आते हैं? और ये खासकर अपनी ही समाज में ज्यादा देखने को मिलता है। और ये लोग बड़े धार्मिक हैं ऐसा बोला जाता है। कृपया जिज्ञासा। देखिए, ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिनकी निष्ठा कमजोर। हमें ऐसे लोगों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा जब वो कहें तो उनसे कहना चाहिए हमें इस बात का गर्व है कि हम धार्मिक है, पापी तो नहीं है। तुमसे कह रहे बड़े धार्मिक है तो अच्छी बात है ना, गाली थोड़ी दे रहे। ये बड़े धार्मिक हैं, तुम बड़े धर्मात्मा हो, कह दे तो तुम्हारी बड़ाई है कि निंदा? बोलो, बड़ाई। तो फिर प्राउड हो, छीना फूनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं धार्मिक हूँ और मैं चाहता हूँ और बढ़ूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है आप भी मुझसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ो। अरे लाज और संकोच तो अधर्मी के मन में होना चाहिए, धर्मी को तो गर्व होना चाहिए। आज ये जैनियों की ही परिणति है कि आज पूरे दुनिया में 5-स्टार होटलों में भी जैन थाली अलग होती है ना, एयरलाइंस में भी है। हमको जैन खाना चाहिए तो कब, जो बिना प्याज लहसुन जमी कंद का अगर तुम लोग खाना बंद कर दोगे और सब कुछ खाने लगोगे तो तुम्हारी ये पहचान खंडित हो जाएगी। इसलिए अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए और अपने नियमों का दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। आयुष जी दिल्ली से। महाराज सर, ऐसी समस्या अनेक स्थानों पर हो रही है। अभी गुवाहाटी का मुझे एक प्रसंग याद है, जब एक बिटिया को देखने के लिए लोग आए, उन्होंने बाद में खबर भेजी, देखने आते तो सामान्यतः साड़ी में बिटिया सामने आती है, बाद में उन्होंने खबर भेजी कि हम बिटिया को जीन्स और टी शर्ट में देखना चाहते हैं। मेरे से जब ये प्रश्न किया गया तो मैंने कहा खबर भेज दो कि हम बेटे को धोती दुपट्टा में देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है और उसी दूषित सोच के परिणाम स्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। प्रश्न रख रहे हैं आयुष जी दिल्ली से, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन में सतत सेवाएं जो दे रहे हैं अक्षय जी जैन, श्रीमती सलोनी जी जैन गुणायतन मधुबन से। नमोस्तु गुरुदेव। एक गुरुदेव का अपने शिष्य के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, और शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण भाव होना चाहिए, और उस समर्पण में अगर आपका कोई स्वार्थ हो तो गुरु क्या करे, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। आपने गुरु शिष्य के संबंधों से जुड़ा सवाल किया। गुरु का शिष्य के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और शिष्य का गुरु के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, और आपने पूछा है शिष्य के हृदय में यदि उनका अपना कोई निजी स्वार्थ है तो क्या करना चाहिए। देखिए, गुरु क्या करते हैं, गुरु का शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं होती गुरु की। गुरु केवल एक ही बात चाहते हैं कि शिष्य का उद्धार, समझ गए। तो गुरु शिष्य के कल्याण की भावना करते हैं। गुरु की वही भूमिका होती है जो घट के निर्माण में कुम्हार की होती है। कुम्हार घट को एक अच्छा आकार देना चाहता है। आकार देते समय मिट्टी को के ऊपर आघात जरूर होता है, लेकिन बाद में उससे ही मिट्टी का मूल्य बढ़ता है, मिट्टी की सार्थकता बढ़ती है। तो गुरु हमें एक नया आकार देते हैं, और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की हर बात को स्वीकार करे, जिसके हृदय में ये भाव हो कि गुरु के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब मेरे कल्याण के लिए। जब तक ऐसी श्रद्धा हृदय में ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति गुरु की कृपा का सच्चा लाभ नहीं ले पाएगा। यदि गुरु कृपा पाकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो तो गुरु के शरणागत रहो। शरणागत होने का मतलब ही यही है कि वो जो कहे सो करो और जो ना कहे उससे दूर रहो, उनकी हर बात को अपनी बात मान करके चलो। और जो स्वार्थ से प्रेरित होकर गुरु चरणों में आते हैं वो सच्चे अर्थों में शिष्य ही नहीं बन पाते, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। नमोस्तु गुरुदेव।
निवेदन कर रहा हूँ अक्षय जी, सलोनी जी, गुणायतन शिखर जी से, और इसी के बाद निवेदन करूँगा हमारे बीच में बंदी हूँ अमेरिका कैलिफोर्निया से मोनिका जी गोयली यहाँ पर उपस्थित है पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, लोग कहते हैं कि मंदिर में टूटी हुई चीज़ या टूटा हुआ सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जब हमारा मन टूट जाता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मन में लाखों शंकाएँ होती हैं, शिकायतें होती हैं, तो हम मंदिर जाते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक सवाल है। टूटी हुई चीज़ लेकर मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर हम मन टूटने पर मंदिर ही क्यों जाते हैं? तुम्हारे सवाल का भाव यही। देखिए, टूटी हुई चीज़ के लिए कबाड़ खाना अच्छा है, और कबाड़ी के पास जाओ तो टूटी चीज़ भी कहीं ना कहीं कुछ मूल्य पाती है और उसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए मंदिर के पास जाओ तो मंदिर में जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, टूटे हुए सामान लेकर मत जाओ। लेकिन जहाँ तक टूटे हुए मन का सवाल है ना, चीज़ें टूटती है तो कबाड़ी के पास जगह है, मन टूटता है तो मन को जोड़ने का रास्ता तो केवल भगवान है। जब हम अपने मन को प्रभु की शरण में सौंप देते हैं तो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, वो अपने आप जुड़ जाता है। तो हम टूटे हुए मन को लेकर जाते हैं पर अटूट मन कर लेकर लौटते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, टूटे हुए मन के साथ मंदिर जाने में बुराई नहीं है, बल्कि जाना ही चाहिए, पर मंदिर से जब भी निकलो तो मन को अटूट बनाकर निकलो, तोड़ कर ना निकलो, जीवन की उपलब्धि उसमें। आइएगा, निवेदन कर रहा हूँ मोनिका जी गोयली कैलिफोर्निया अमेरिका से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा पीके जैन साहब LIC नरसिंहपुर से शशि जी के साथ। नमोस्तु गुरुवर सभी परिवार के साथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका है, जब अंतिम समय में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स और दवाइयों के असर से पूर्ण जागृत अवस्था ना हो, परंतु अंतिम समय जानकर डॉक्टर जो देंगे उसके अलावा सभी चीज़ों का, चारों प्रकार के आहार का त्याग ऐसी नियम से लिखना, और अगर कोई लेने की, खाने की, पीने की अवस्था ना रही तो यही यम से लिखना, ऐसे नियम देने का क्या फल रहेगा? देखिए, संलेखना का स्वरूप तो अलग है, पर ये एक सुभावना है जो सुमरण का प्रतीक बन सकता है। संलेखना पूर्ण सचेतन अवस्था में ली जाती है, और अस्पताल में संलेखना नहीं होती। संलेखना धर्म ध्यान के साथ गुरु चरणों में होती। तो इस विषय में मैं अलग अलग दृष्टि से अपनी बात रखना चाहूँगा। पहली बात तो, शरीर लाचार हो उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लो, ताकि अस्पताल जाने की नौबत ही ना हो, ये सर्वोत्तम है। कदाचित अस्पताल जाना पड़े और बीमारी गंभीर हो तो जाने से पहले सभी से, या कदाचित अस्पताल से ही अगर इतना समय नहीं हो, होश में व्यक्ति सब जीवों से क्षमा मांगे, सबको अपनी ओर से क्षमा करे, और ये संकल्प ले ले कि मेरे तन पर जो परिग्रह है इसके अतिरिक्त जब तक मैं पूर्ण सचेतन ना हो जाऊं तब तक के लिए मेरे तन के परिग्रह के अतिरिक्त सब परिग्रहों का त्याग है। अस्पताल में मुझे चिकित्सा के रूप में जो कुछ भी दिया जाएगा उसके अलावा बाकी सब चीज़ों का त्याग है। कब तक के लिए? मेरे पूर्ण होश में आने तक के लिए। तो ये त्याग भाव के साथ, यम संलेखना शब्द नहीं है, ऐसे त्याग भाव के साथ यदि किसी का शरीर छूटता है तो वह सुमरण की श्रेणी में आएगा, संलेखना नहीं कहेंगे उसको। होश में आने के बाद यदि व्यक्ति औसत पानी सबका त्याग कर देता है तब संलेखना खा। इसलिए अस्पताल में कोई जाए, होश हवास में ये सब काम करना चाहिए।
प्रायः होश चला जाता, वेंटिलेटर में आ जाते हैं, व्यक्ति के भावों को कुछ समझा नहीं जा सकता। अब उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भगवान जाने। उस घड़ी में हम क्या करें, तो हम धर्म ध्यान का वातावरण बनाए, नमोकार मंत्र पढ़े, पाठ करे और भावना भाए कि इस प्राणी के अंदर की चेतना जगे और इनकी सदगति हो। अब उससे होगा क्या, वो तो उसकी जैसी परिणति होगी वैसा होगा, लेकिन बहुत कुछ संभव है हमारे मंत्र जाप आदि के प्रताप से उसकी वेदना कम हो, और ये भी संभव है कि अंत अंत तक उसकी चेतना जाग जाए। और एक पल को भी व्यक्ति की चेतना जागती है तो वो जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये कहना आप तो बेहोश हो गया आप किसको सुनाएंगे, गलत है। बेहोश होने के बाद भी हम अपने मन की शांति के लिए और सामने वाले को चैतन्य बनाने की प्रार्थना की भावना से ऐसा कर सकते, करना ही चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार मोनिका जी का जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन करें। ये प्रमाणिक समूह की बड़ी पुरानी कार्यकर्ता है और 2018 से 5 सालों से अपनी पूरी सेवाएं दे रही है और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं आशीर्वाद देता हूँ ऐसे ही करते रहे और परिवार उनको ऐसे ही सहयोग देते रहे। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन के साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ पीके जैन साहब एलआईसी शशि जी जैन नरसिंहपुर से, और फिर तैयार रहेंगे हीरा मणि जी ठोलिया कुचामन सिटी से। नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर नहीं बदलती हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे संस्कार। लेकिन मुनिश्री कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान और पर्वों के बीच में अगर हमारे पारिवारिक आयोजन आ जाते हैं तो हमारे श्रेष्ठ जन धार्मिक अनुष्ठानों को प्राथमिकता देते हैं, महत्व देते हैं और पारिवारिक आयोजन को छोड़ना पसंद करते हैं। ऐसे समय पर मुनिश्री क्या धार्मिक अनुष्ठानों को प्राथमिकता देना चाहिए या परिवार के आयोजन जो होते हैं उनमें हम समय दें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें? ये झंझट ही मिटा देनी चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठान तो नियत तिथियों पर होते हैं, पारिवारिक अनुष्ठान कभी भी हो सकते हैं। इसलिए जब हमें पारिवारिक अनुष्ठान करने हों उनको ऐसे तिथियों में सुनिश्चित कर दें कि धार्मिक अनुष्ठानों से न टकराए। साल में एक बार महावीर जयंती आती, उसी दिन तुमने शादी रच ली। अब महावीर जयंती मनाओगे कि अपनी शादी में रचोगे पचोगे? इसलिए इन तिथियों में इस तरह का कोई आयोजन न रखो, झंझट खत्म। दो लाइन, एक बस नेक्स्ट लीजिए। आखिरी सोपान जैसा कुछ नहीं है विश्व में, शेष रहती है नए आयाम की संभावना। देख हिंसा को प्रतिष्ठित, तुम न हो चिंतित विराट, बलपति होने लगी महावीर की संभावना। बोलिए गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। और लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ हीरा मणि जी ठोलिया कुचामन सिटी से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं आनंद जैन स्वीडन से। स्वीडन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामि चुलक जी, इच्छामि चुलक जी। बोलो महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में क्या अंतर है? मिथ्यात्व वाला कहाँ जाता है और सम्यक्त्व वाला कौन करता है, और संयम किसमें पालन होता है महाराज? समझाइए। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का सीधा सीधा अर्थ बोलूं, जो सही है वो सम्यक्त्व है, जो गलत है वो मिथ्यात्व है, जो उल्टा है वो मिथ्यात्व है, जो सीधा है वो सम्यक्त्व है। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है और झूठी श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। सच्ची श्रद्धा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और मिथ्यात्व से हमारा संसार बढ़ता है। सच्चे देव सास गुरु के सच्चे श्रद्धालु बनकर जीवन को आगे बढ़ाए। ओम नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ आनंद जी स्वीडन से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नीरज जी जैन पूजा जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु महाराज। कहते हैं बेहतर सोच के लिए बेहतर किताबों को पुस्तकों का पढ़ना बहुत जरूरी है, उनका बहुत योगदान है। तो
तो जो जैन धर्म की बुक्स हैं, किताब पुस्तकें हैं, जैसे सम्यासार, त्वत्सार, प्रवचनसार, वो हम बड़े तो पढ़ लेते हैं, बच्चों के ताकि उनकी जिज्ञासा भी बनी रहे, उनका मन भी लगा रहे, ऐसे कहाँ से वो शुरू करें और इसका ज्ञान हमारे जैन समाज में कैसे फैलाएं? सबसे पहला काम करो, अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो, और अभी बचपन में बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ोगे ना तो बड़े होकर वो बच्चे समयसार भी पढ़ सकेंगे, इसलिए उन्हें प्रामाणिक पाठशाला से जोड़िए बहुत तार्किक और टेक्नोलॉजी के साथ। जैन धर्म की मूलभूत बातों को उन्हें बताया जाता है, बच्चे उसे बहुत अच्छे से हृदयंगम करते हैं और आगे चल करके उनके लिए बहुत अच्छा हो। नीरज जी, पूजा जी जैन दिल्ली से, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में बाहुबली कॉलोनी सागर से महामंत्री राजकुमार जी। सभी गुरु भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री मेरी शंका का समाधान करें। महाराज श्री, जैसे भगवान महावीर का पंचम काल चल रहा है और 21,000 वर्ष का ये आरा चलता है महाराज साहब, इस आरे में अभी दुर्भिक्ष काल भी आया था 2-3 साल का, जैसे कोविड आया हुआ था, क्या ऐसे दुर्भिक्ष काल आगे भी आते रहेंगे महाराज श्री? और ये शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि ऐसा भी समय आएगा जब इंसान बिलों में रहेंगे, क्या मेरे दिगंबर मुनि भी पंचम आरे में लास्ट तक रहेंगे और उन्हें आहार मिलता रहेगा महाराज साहब? देखिए, बिल्कुल सही है, पंचम काल है दुखमा काल, और दुखमा काल में इस तरह की रोग मरी आदि प्राकृतिक आपदाएं आते रहती आएगी, अभी भी है, कालांतर में भी आएगी। अतीत के पिछले 200-300 साल के इतिहास में 2-3 महामारियों का उल्लेख तो दिखता ही है, हमारे शास्त्रों में भी ऐसी बड़ी बड़ी महामारियों का उल्लेख है। तो समय समय पर ऐसी महामारियाँ, विश्वव्यापी महामारियाँ भी फैली है, फैलते रहेगी। पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक साविका रूप चतुर्विध संग रहेगा, लेकिन स्थितियाँ दिनों दिन दयनीय होगी। अंत में मनुष्य की शरीर की ऊंचाई मात्र एक हाथ रह जाएगी, नग्न विचरण करने लगेंगे और बिलों में रहेंगे, ये चीज़ें होंगी। जिस दिन धर्म का नाश होगा उसी दिन अग्नि का नाश होगा, और जब अग्नि का नाश होगा उसी दिन सभ्यता का भी विनाश होगा, और फिर धीरे 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 सब चीज़ें तहस नहस हो जाएगी। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूँ राजकुमार जी बाहुबली कॉलोनी सागर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं चुल्लक जी महाराज जी के सामने इच्छामि। महाराज श्री, मैं बाहुबली कॉलोनी में मंदिर में सेवारत हूँ, और लोगों की भावनाओं को देखते हुए लोगों के साथ सामंजस्य बनाता हूँ, लेकिन कुछ बातों में लोग अपना क्वेश्चन रखते हैं, जब तो वकील बन जाते हैं, मतलब उसकी सफाई देंगे सब, और यदि सामने वाले की बात आती है तो उसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट बनते हैं वो कि तुम ऐसा करते गलत है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसा? तुम्हारे मंदिर में नहीं, सब जगह की यही बीमारी, समझ गए? तब ऐसे समय में हम क्या करें? अगर सामने वाला वकील बन करके बात कर रहा है तो तुम जज मत बनो, और वो जज बनकर निर्णय दे रहा है तो तुम वकालत बंद कर दो, रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता? मौन रहना चाहिए महाराज जी। हाँ, अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता से, और निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि 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 महाराज जी। महाराज जी बोलो। दही के मंथन से नवनीत या घी की प्राप्ति होती है, और आत्म मंथन से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो महाराज जी हम आत्म मंथन कैसे करें कि मोक्ष मार्ग में लग के परमात्मा पद को प्राप्त कर सके? पहले आत्म चिंतन करो, और आत्म चिंतन के लिए आत्मा के स्वरूप का अध्ययन करो, अध्ययन के बाद चिंतन, चिंतन के बाद मनन, मनन के बाद मंथन, समझ गए? यह क्रमिक व्यवस्था है। तो मंथन कैसे करें महाराज? आत्म मंथन के लिए निर्गंथ बनना पड़ेगा, पहले चिंतन तो करो। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारी अग्रजा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि, सब छुल्लक जी महाराज के इच्छामि। महाराज श्री, अगर मनुष्य स्वयं को पहचान ले,
स्वयं को पहचान ले, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो इसके अभाव में ही हमारे अंदर राग द्वेष मोह बना रहता है, और इस तो वो कैसे हमारे ये ज्ञान कैसे घटित हो हमारे अंदर। स्वयं को पहचानने से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, और स्वयं की पहचान के अभाव में राग द्वेष मोह भरा रहता है, क्योंकि हमारा अज्ञान ही हमारे अंदर राग द्वेष मोह की सृष्टि करता है। सच्चा ज्ञान वो नहीं जो हम लोगों को सुनाते हैं, सच्चा ज्ञान अपनी आत्मा की पहचान है। तो मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान करनी ही चाहिए, और उसके लिए सतत भावना भानी चाहिए। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान अज्ञान है, कोई ज्ञान काम में आने वाला नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दन्यत करोति किम, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इस बात को समझते हुए हमें आत्मज्ञान की भावना भानी चाहिए, और नित्य अपने अंतरंग में ऐसा सवाल उठाना चाहिए, को हम, मैं कौन हूँ। अंदर से आवाज आएगी, सो हम, बस ये भाव अंदर जागते जाए, स्वरूप का बोध हो, प्रवृत्ति में अपने आप सहजता। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी वासा, और उसके बाद अंतिम प्रश्न के रूप में निवेदन करूंगा मैं कीर्ति जी दिल्ली। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी मंचासीन इलक छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारा प्रश्न या हमारा मन है कि जैसे बोलते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में रहो तो अच्छे गुण आते हैं, लेकिन अगर अच्छे लोगों की संगति से जो दुर्गुणी हैं, अगर उसका असर जो दुर्गुण वाला है, अगर अच्छे आदमी के ऊपर उस दुर्गुण का असर पड़ता है, तो फिर उस अच्छे आदमी के साथ कैसा व्यवहार और क्या करना चाहिए कि वो भी सही बन जाए। आपका सवाल है, सवाल का सार जो मुझे समझ में आया है कि संगति का असर पड़ता है। हाँ। बुरे लोग अगर अच्छे की संगति में आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बुरों की संगति का असर अच्छों पर पड़ जाए तो अच्छे लोग बुरे बन जाए। हाँ, ये ना। हाँ। देखो, हम एक ही बात जानते हैं, नालियों का गंदा पानी गंगा में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। क्या बोला? गंगा जल बन जाता। नालियों का गंदा पानी गंगा में जाने पर गंगा जल बन जाता है, और गंगा का निर्मल जल नाली में गिर जाने से गंदा जल बन जाता है। तो गंगा जल भी गंदा जल बन सकता है। तो फिर क्या है फार्मूला? नाली गंगा में जाए, गंगा नाली में ना आए। बात समझ में आ रही है? नाली बहकर गंगा में जाएगी तो गंगा जल बन जाए, लेकिन गंगा जल को कोई नाली में डालेगा तो गंदा जल हो जाएगा। इसलिए अगर बुरे लोग अच्छों की संगति में आए तो उनका उत्थान हो सकता है, लेकिन अच्छे लोग अगर बुरों की संगति में जाएंगे उनका पतन अवश्यंभावी है। कौन आ रहा है, कौन किसमें मिल रहा है, महत्व उसका, समझ गए? इसलिए हमेशा अच्छों की संगति की प्रेरणा दी। हमारे शास्त्रों में मुनियों के लिए भी कहा गया है कि अपने गुण से अधिक गुण दो अधिगस्त समनस, अर्थात अपने गुणों से अधिक गुण वाले श्रमणों की संगति करो, जिससे अपना जीवन अच्छा बनता हो। तो गंदा जल गंगा जल, ये दोनों बातों को याद रखोगे तो बातें स्पष्ट हो जाएगी। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन त्रष्टि कीर्ति जी दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अपने 42वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष में आपके समक्ष प्रश्न रखेंगे प्रेमचंद जी संध्या जी उपकार परिवार सागर से। नमोस्तु भगवान। सभी एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, आजकल बहुत से ध्यान प्रचलित हैं, और इन ध्यान शिविरों में ब्रीदिंग रिदम पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ब्रीदिंग रिदम पर ध्यान दिया जाता है, धीरे सांस लेना, तेज सांस लेना या लंबी गहरी सांस लेना।
तो गुरुदेव एक बार ऐसा पढ़ने में आया कि जो मनुष्य अपनी आयु लेकर आता है वो सांसों की गिनती के रूप में लेकर आता है। तो गुरुदेव सांस यदि हम धीरे सांस लेने का अभ्यास करें तो क्या आयु लंबी होगी, और यदि हमारी सांसें तेज चलें, जैसे यदि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या कोई एंजाइटी का पेशेंट होता है तो उसकी सांसें तेज और जल्दी जल्दी चलती हैं, तो गुरुदेव हमारे आगम में इसके संबंध में कुछ? बिल्कुल, आगम में लिखा है अगर हमारी सांस तेज चलती है तो आयु कर्म की निषेक ज़्यादा खिरते हैं, मंद मंद गहरी सांस लेने से आयु कम खिरते हैं। इसलिए स्वर्ग में भी देखो जिनकी जितनी आयु है उनकी श्वास का अंतराल उतना अधिक है। एक सागर की आयु वाले 1000 वर्ष में एक बार श्वास लेते, समझ गए? तो ये एक लंबी आयु का द्योतक है। तो इसलिए हमें अपनी श्वास को तेज करने से बचना चाहिए। अब ध्यान आदि के अभ्यास में एक यौगिक क्रियाएं करते हैं तो ठीक है, आयु कर्म सामान्य रूप से झड़ती है, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, बैठे 12 चढ़े 18 सोवत के 36 विषय 20 में 72 कह गए विश्वा 20। अर्थात हम जब बैठे तो हमारी सांस 12 खपरे, चले तो 18, सो रहे तो 36 और विषय रति में 72, ये एकदम मल्टीपल होते जा रहे। तो इसी तरह की व्यवस्थाएं बनती और बदलती। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु गुरुजी। प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर से अंतिम। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो महाराज जी। जीवन के 65 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 42 साल इस दूसरे पर्याय दूसरे उसमें भी जीवन बीत चुका है, और 26 साल से आपकी चरण सन्निधि मिली है जिसमें हमारे आत्मा कल्याण के लिए पत्थर बड़े चले हैं। अब इस उम्र के बाद अब आपके चरणों में ही आपका सानिध्य मिलता है और बाकी मिलता रहे, बाकी सब पूर्ण हो जाए, ये भावना रखते हैं। मेरा सवाल है, चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जो राह आपने पकड़ी है उस राह को पकड़ करके चलते रहिए, और लक्ष्य यही रखिए कि मेरा अंत निर्गंथ बनकर समाधि पूर्वक हो। आशीर्वाद। हमारे बीच में बंधुओं किशोर जी पांड्या दिल्ली से हमारे बीच में, बड़े सम्मान के साथ में मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आइएगा, और हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी से ही हमारे किशोर जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय किशोर जी हमारे बीच में है, पांड्या जी पूरे परिवार के साथ मंच पर निवेदन कर रहे हैं, कृपया आइएगा। गुणायतन श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीष पा रहे हैं, और गुणायतन श्री सेवायतन परिवार आपका अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रेमचंद जी संध्या जी से निवेदन करूंगा, आपका अभिनंदन करेंगे, पुनः जोरदार जोरदार कल्तर ध्वनि से इनका अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट आपके अभिनंदन में बनती है। इस प्रकार आज के सत्र को आगे के कार्यक्रमों की सूचना के साथ, और सवाल है बुलाइए। बंधुओं ये बड़ा हर्ष का विषय है, पूज्य आचार्य भगवंत ने इस बार हम सबको आशीर्वाद दिया, गुणायतन में पूज्य गुरुदेव का वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज और एलक श्री निजानंद सागर महाराज जी भी हम सबके यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं मैं आपसे निवेदन करूंगा आगामी पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व यहां पर आने ही वाले हैं, जिसके लिए पुनः इस बार फिर श्रावक संस्कार का वह मेला जो यहां पर लगता है, पूज गुरुदेव से कमेटी वाले बार बार निवेदन कर रहे हैं, अनेक लोगों का मन बन रहा है, तो पूज गुरुदेव उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले, और आप लोग अपना मन बना करके रखिएगा इस बार का संस्कार शिविर बड़ा बेजोड़ होगा, और साथ ही साथ आगामी अष्टानी का महापर्व महाराज श्री इस बार जो विधान चूक गया है ये विधान बड़े उत्साह को लेकर को हो, मंगल भावना से आपके चरणों में वंदन, और पूरा परिवार आशीर्वाद चाह रहा है, गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार पूरे देश के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमो